क्या लगता है इसको आगे कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये तो बची असम, कोलकाता पूर्वी भारत विज्ञान मेला हुआ था उसमें गई थी, बिहार दिवस के मौके पे पूरे बिहार को दिखा चुकी है। जो भी नेशनल प्रतियोगिता आगे भी होगी बच्ची ऐसे पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन मैंने तो पार्टिसिपेट जब मैं स्टूडेंट लाइफ में टेंथ में था तो बहुत सारे 23 अवार्ड अब इंडिया गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट में अपना घर में ला करके आपने दिखाया, आपने जो देखा तो मुझे किसी ने मदद नहीं किया। चुल्लू थोड़ा सा भी जो बोलते हैं ना कि आप पटना जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहीं जा रहे हो ना, कोई 5 रुपये का भी मदद करता, मुझे वो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया आज तक। कि अब इतने अवार्ड जीत के लाते हो, एक सांत्वना मिलता है केवल कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, पीछे से कोई सपोर्ट किसी ने नहीं। अभी भी जैसे बच्चों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को साइड दिखाएंगे हम, जो इस बार 5 बच्चे पूर्वी भारत विज्ञान मेला में मधेपुरा का पार्टिसिपेट किया था, जान के खुशी होगी, जहाँ अब कुछ भी नहीं है वहाँ से टेक्नोलॉजी को उतनी किसी के पास, मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम कि 5 बच्चे पूर्वी भारत विज्ञान मेला में यहाँ से पर्चे। अगर आप दोनों आदमी को अगर कहीं से सपोर्ट मिलता है तो क्या, किस तरीके से काम काज करेंगे और आगे आप क्या कर रहे हैं? जो भी प्रोजेक्ट है उसका एक फाइनल प्रोटोटाइप मिलेगा। एक सेकंड, अगर आप लोगों को कहीं से बैक सपोर्ट मिले तो क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं इसमें आप? बिल्कुल कर सकते हैं, जो हमारे रूम में है ये रूम से उठ करके पूरे देश में लगेंगी संपार फाटक पे, और बेसिकली उसे दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? बेसिकली चाहिए कि हम पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए जो बनाने का जो कॉस्टिंग आता है, और रिसर्च जो लैब हमारे पास है उससे होने वाला था नहीं, एक प्रोटोटाइप बड़ा साइज में बनाया जाएगा जो जिस टाइप का हम लोग लगाए जाते हैं रेलवे संपार फाटक, उस पर टेस्टिंग होगी, उसके बाद हम लोग उसका फीडबैक लेंगे, फिर पूरे देशों में लगाया जाएगा। कम से कम उस जो फीडबैक हमको लगाना है उसके लिए तो कॉस्टिंग चाहिए, ये तो प्रोटोटाइप है, इस तरह से मैकेनिज्म काम करेगी, ये तो हमारा एक प्रोटोटाइप है। इसी माइक्रो कंट्रोलर को बड़े साइज के मोटर से उसको इंटरफेस करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पाएंगे ये प्रॉपर वे में काम करिए, और जो उसमें दिक्कतें आएंगी जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक उसका, जब रेलवे पे फाटक आर पार करके देखेंगे, ट्रेन का परिचालन करके देखेंगे, तो एक मिलेगा टेस्टिंग के बाद हम लोग का एक फाइनल मिलेगा और पूरे देश में लागू कर सकते हैं। इसके लिए और तैयारियां किस पे चल रही हैं? जैसे अभी इसका भी प्रोटोटाइप बना हुआ, कुछ पैसे आएंगे तो फिर इसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे अभी ट्रेन आ रही है ऑटोमेटिक लग रहा है, खुल रहा है, तो इसकी जो कंट्रोलिंग पावर होगी वो कंट्रोल रूम में ऑटोमेटिक हो जाएगा कि ट्रेन गेट लग चुका, अभी तो हम लोग देख रहे थे ना ये चीज़, उसके LED पे, उसके पैनल पे, उसके लोकेशन, मतलब उसका जो भी इंडिकेटर से सब इंडिकेट करेगा कि गेट लगा हुआ है, खुला हुआ है, कितने देर पहले, सारा कुछ दिखेगा उस पर। आप ये बताइए कि आप मधेपुरा से आती हैं और एक बड़ी चीज़ों को करने जा रही हैं, आगे क्या करने का सोचा है? सर मेरा एक यही गोल है कि हम UPSC क्रैक करना चाहते हैं, कि अपने ज़िले के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इस तरफ आपका झुकाव है? सर होता है ना कि स्कूल लेवल में ना हर एक चीज़ करने का मन करता है कि इस चीज़ में जाए, उस चीज़ में जाए, तो अभी मेरा मन इसमें ही लगा हुआ है कि इस काम को और आगे तक करना है, लेकिन आधा झुका UPSC की तरफ भी है, हम उसकी भी तैयारी अभी से करते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ की तैयारी करते हैं? जी सर। अच्छा, परिवार का कितना सपोर्ट मिल रहा है इस करने में, काम को करने में? परिवार का पूरा सपोर्ट है कि पापा जो पॉकेट मनी देते हैं हमको कि अगर कॉपी खत्म हो गया या बुक खत्म हो गया, उससे जो बचा करके हमारे पास मनी आता है उसी को लगा करके, और थोड़ा जो योगदान है हमें स्कूल की तरफ से भी मिला है तो उसको मिला करके इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, इसी के लिए फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है। कितना घंटा समय देती हैं इसमें आप? इसमें जो हम लोग का क्लास होता है वो संडे को, वरना से बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं कि प्रोजेक्ट बना है या नहीं बना है उस पर और आगे काम करने के लिए। सरकार से क्या कहेंगे आप दोनों आदमी? सरकार से ये मांग है कि बच्चे, आप प्रत्येक जगह आप शिक्षा की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे का क्या स्किल आपके सामने मौजूद है, आप देख पा रहे हैं कि जो भी बच्चे अपने मन के आइडियाज़ थे वो एक टेक्नोलॉजी में दे पाए, तो आप जो बन रहा है उसको आप दूसरों तक पहुंचाएं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक निखार आ जाएगा। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि लोग की ज़्यादातर मौतें ना हो रेलवे संपार फाटक पर, तो इस प्रोजेक्ट को और डेवलप बनाना है तो आप उसके लिए हमें कोष्ट दें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को और डेवलप बना सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। काजल जी नाम बताइए, और आनंद विजय है, देखिए ये दोनों ने मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। निश्चित तौर सरकार अगर इन लोगों को मदद करे तो एक बेहतर जो है ये प्लेटफॉर्म तैयार करके सरकार को दिखा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मेहनत करता है और इसकी मेहनत
किस मुकाम तक पहुंचती है और किस तरीके से इसका मेहनत रंग लाता है वो तो देखना होगा, उस वक्त भी हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।